अभी मारेगा प्रज्ञा के बिजनेस पार्टनर को और प्रज्ञा मारेगी अभी को धक्का और होगी प्रज्ञा अभी पर गुस्सा और यह सिद्धार्थ जाएंगे रणबीर के घर और रणबीर की माँ को लगेगा बड़ा झटका और रणबीर की माँ निकालेगी प्राची को घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में प्रज्ञा अभी के घर मेहरा मेंशन की नीलामी के कागजात को देखने के लिए अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने के लिए जाएगी, जहाँ पर जब अभी रास्ते पर चल रहा होगा तभी प्रज्ञा को कार में जाते हुए अभी देख लेगा। इसीलिए अभी प्रज्ञा की कार का पीछा करते हुए प्रज्ञा के पीछे पीछे जाएगा और अभी प्रज्ञा के बिजनेस पार्टनर को तब मारेगा जब प्रज्ञा अपने घर मेहरा मेंशन की कागजात को देख लेगी, जिसके बाद किसी काम से प्रज्ञा दूर जाएगी। तब वो बिजनेस पार्टनर प्रज्ञा के बारे में कुछ ऐसी बातें बोलेगा जिससे अभी को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और गुस्से में अभी प्रज्ञा के बिजनेस पार्टनर को प्रज्ञा के लिए मारने लगेगा और पीछे से प्रज्ञा अभी को अपने बिजनेस पार्टनर को मारते हुए देख लेगी, जिससे प्रज्ञा को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और गुस्से में प्रज्ञा अभी को जोर से धक्का मारेगी और कहेगी कि ये क्या कर रहे हैं आप, मेरे बिजनेस पार्टनर को क्यों मार रहे हैं और आप आखिर चाहते क्या हो मुझसे। और अभी कहेगा कि ये तुम्हारे बारे में कैसी बातें कर रहा था और तुम यहाँ पर इतनी रात को ऐसी जगह क्यों आई हो, ना ये जगह ठीक है ना ये आदमी। जिसे सुनकर प्रज्ञा गुस्से से कहेगी कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, मुझे जिस आदमी से मिलना है मैं मिलूं, आप होते कौन है मुझे रोकने वाले। जिसे सुनकर अभी को काफी बड़ा शॉक लगेगा और अभी का दिल टूट जाएगा, जिसके बाद अभी प्रज्ञा को कह देगा कि कुछ नहीं, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये कहकर अभी वहाँ से चला जाएगा, लेकिन रणबीर की माँ प्राची को घर से बाहर तब निकालेगी जब सिद्धार्थ और रिया अपने शादी के जोड़े में रणबीर प्राची के साथ रणबीर के घर पहुँचेंगे और रणबीर की माँ सिद्धार्थ को शादी के जोड़े में देखकर हिल जाएगी और इसीलिए रणबीर की माँ गुस्सा होकर सिद्धार्थ को कहेगी कि आज से इस घर का कोई बेटा नहीं है और इस घर में सिर्फ वही अलाउड है जो इस घर के नौकर है या फिर इस घर के सदस्य। जिसे सुनकर रणबीर सिद्धार्थ को काफी बड़ा शॉक लगेगा और इसीलिए सबसे बड़ा खुलासा होगा कि रिया अपना घूंघट उठाकर रणबीर की माँ को पल्लवी आंटी कहकर पुकारेगी और अचानक से रिया की आवाज सुनकर रणबीर की माँ हिल जाएगी और रिया को अपने बहू के रूप में देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और रणबीर की माँ को खुश होते हुए देख प्राची भी काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन रणबीर की माँ अचानक से प्राची पर गुस्सा होती हुई कहेगी कि तुम्हें इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने रिया को अपनाया है तुम्हें नहीं, इसीलिए तुम जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ। और लेकिन रणबीर की माँ को प्राची को अपना लेना चाहिए या नहीं और आगे जाके प्रज्ञा भी एक होंगे या नहीं, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।